हेलो गाइस, मैं हूं केमिकल एनालाइजर और स्वागत है आपका हमारे केमिकल्स एंड टॉक्सिन की सीरीज में। और आज हम बात करेंगे एक एक्सट्रीमली डेंजरस कार्डियोन्यूरोटॉक्सिक पॉइजन की, जो चुटकियों में आपको मौत की नींद सुला सकता है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और हम जानेंगे इसी टॉक्सिन के बारे में इन अवर टूडेज वीडियो टाइटल बेट्रेकोटॉक्सिन अ पोटेंट न्यूरो कार्डियो टॉक्सिन। आप में से कई लोगों को बेट्रेकोटॉक्सिन का नाम पहली बार सुना होगा। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि यह टॉक्सिन बस कुछ लिमिटेड क्रीचर्स में ही पाया जाता है और ये क्रीचर्स भी सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पॉइजनस डार्ट फ्रॉग्स की, जो कि दुनिया के सबसे पॉइजनस फ्रॉग है, क्योंकि इनकी स्किन ग्लैंड में सिंथेसाइज होता है बेट्रेकोटॉक्सिन, जो कि हमारे लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसका लीथल डोज बस 136 माइक्रोग्राम है, जो कि किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी है। इन सभी डार्ट फ्रॉग में सबसे खतरनाक होता है द गोल्डन डार्ट फ्रॉग। इसके छूने मात्र से ही इंसान की मौत हो सकती है। गोल्डन डार्ट का जहर एक बार में 20,000 चूहों और लगभग 10 लोगों को मार सकता है। यही कारण है कि इसका शिकार करने वाले जानवर खुद इसका शिकार बन जाते हैं। यह बेट्रेकोटॉक्सिन पॉइजन डार्ट फ्रॉग के स्किन ग्लैंड्स में एज अ सेल्फ डिफेंस के लिए सिंथेसाइज होता है, और गलती से भी अगर यह किसी जानवर या इंसान के अंदर चला जाए तो उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए ज्यादातर जानवर डार्ट फ्रॉग को खाना पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे हर शेर के लिए सवा शेर होता है, वैसे ही डार्ट फ्रॉग का भी एक शिकारी है, और वो है फायर बेलीड स्नेक। ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा सांप है जो गोल्डन डार्ट फ्रॉग के खाने के बाद भी जिंदा रहता है। पर कैसे? इसका सीधा आंसर है कि ये सांप पिछले कई सदियों से इन डार्ट फ्रॉग्स को अपना शिकार बनाते आ रहे हैं, जिससे कि इनकी बॉडी को डार्ट फ्रॉग के टॉक्सिन की आदत पड़ चुकी है, और इसी वजह से यह टॉक्सिन की बॉडी में इफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा बेट्रेकोटॉक्सिन ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड न्यू गिनी पर पाए जाने वाले कुछ बर्ड्स में भी पाया जाता है, जैसे कि हुडेड पिथनोई बर्ड्स। डार्ट फ्रॉग के पॉइजन का इलाज फायर बेलीड स्नेक के पास तो है, बट हमारे साइंटिस्ट के पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसी वजह से यह जहर और भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बेट्रेकोटॉक्सिन के हमारे शरीर में पहुंचते ही हमें मसल पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बेट्रेकोटॉक्सिन हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट सोडियम चैनल को परमानेंटली खोल देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट सोडियम आयंस नर्व सेल के अंदर अधिक मात्रा में पहुंच जाते हैं और इंसान की इरिवर्सिबल मसल पैरालिसिस की वजह से मौत हो जाती है। इस जहर का असर हमारे हार्ट पर भी देखा जा सकता है। बेट्रेकोटॉक्सिन हार्ट मसल में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन का लेवल बढ़ा देता है, जिससे कि हार्ट बीट अनियंत्रित हो जाती है, और अंत में इंसान की हार्ट मसल काम न करने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से इसको एक खतरनाक कार्डियोटॉक्सिन भी माना जाता है। इन सब से भी चौंका देने वाली बात यह है कि बेट्रेकोटॉक्सिन का इलाज टेट्रोडोटॉक्सिन करता है, जो खुद दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। होता यह है फ्रेंड्स, बेट्रेकोटॉक्सिन न्यूरॉन्स में प्रेजेंट सोडियम चैनल्स को खोलकर और टेट्रोडोटॉक्सिन सोडियम चैनल्स को बंद करके इंसान को मार देते हैं। इसलिए जब ये दो टॉक्सिन मिलते हैं तो इंसान की बचने की उम्मीदें कुछ हद तक बढ़ जाती हैं, बट बेट्रेकोटॉक्सिन का 100% ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, और ना ही टेट्रोडोटॉक्सिन का। इससे पहले हमने टेट्रोडोटॉक्सिन पर वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट नाउ। तो आज बेट्रेकोटॉक्सिन के बारे में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आपके कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहेगा।
तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।